तो ये देखिए, ये गाड़ी हमारी चल रही है, आगे भी और जीप्स चल रही हैं, और इसके जो दोनों तरफ है पूरा फुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूँ इस समय द्वारिखाल की मार्केट में, और यहाँ से ये जो नज़ारा है नीचे वैली का, बहुत ही खूबसूरत है, वही आपको दिखा रही हूँ। ये द्वारिखाल की मार्केट है पूरी, और यहाँ से बस ये गाड़ी लगाई हमने यहाँ पे, और अब हम चाय पीने जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर कितने खूबसूरत फूल जो हैं, पर्पल कलर के, रानी कलर के। और ये जो एरिया है, ये यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते भी हैं। और बस यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो चेलुसेन है, और यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे तो कीर्ति खाल है, फिर गुमखाल है, और ये यहाँ का डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर ये। और आगे चलें, यहाँ से भी बहुत अच्छा वैली व्यू है। ये देखिए, यहाँ से पूरा वैली व्यू है ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये जो दुकान है, यहाँ पे हम बैठ के अब चाय पियेंगे, चाय का अरेंजमेंट है। चाय रेडी? कमल जनरल स्टोर द्वारिखाल। नमस्कार जी, ऐसा लग रहा है कि आज आप चाय फ्री में पिलाएंगे। इनकी दुकान में ज़रूर आइए जब आप द्वारिखाल आएंगे। देखिए, इनकी दुकान में आपको सारा ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। और ये मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बता रही हूँ कि ये पेड वीडियो नहीं है। राशन पानी सब कुछ है। यहाँ की खास बात क्या है द्वारिखाल में, मतलब किस चीज़ का, मतलब कोई आए लेने के लिए तो क्या चीज़ बढ़िया है यहाँ पे लेना? तो क्या मैडम, लेकिन यहाँ जैसे हमारा विकास खंड द्वारिखाल है, हाँ, नज़दीक तो यहाँ विकास खंड, हाँ, जैसे स्टेट बैंक से भी कुछ है, और यहाँ नज़दीक में भैरवगढ़ी का मंदिर है हमारा, कीर्ति काल में। ओके, भैरवगढ़ी का मंदिर है। तो ये जो विकास खंड कहते हैं, द्वारिखाल विकास खंड है, तो यहाँ पर ऑफिसेस कौन कौन से हैं, सरकारी ऑफिसेस? सरकारी ऑफिस जैसे एक तो ब्लॉक मुख्यालय हो गया, ओके, एक हॉस्पिटल हो गया। अच्छा, हॉस्पिटल कहाँ कहाँ, किस तरफ है? नीचे थोड़ा नीचे की तरफ, ओके। और पोस्ट ऑफिस हो गया, ओके, SBI बैंक, हाँ, और जैसे BO ऑफिस, BO ना, खंड शिक्षा कार्यालय। अच्छा, और ये हो गया बाल विकास है, मतलब यहाँ 10-12 ऑफिस, 10-12 सरकारी ऑफिस है, राजकीय इंटर कॉलेज है द्वारिखाल। हाँ। तो बेसिकली जो द्वारिखाल हम करते चले आते हैं कि द्वारिखाल विकास खंड है, वो हम जो बोलना शुरू करते हैं आपका कीर्ति खाल से लेकर आगे देवी खेत तक विकास खंड द्वारिखाल, वो द्वारिखाल यही एरिया है। और यहाँ पर 10-12 सरकारी ऑफिसेज हैं, और यहाँ पर सारी मतलब सरकारी सुविधाएं, और सरकार के किसी भी काम के लिए अगर आपको अप्लाई करना है आसपास के आप गांव से हैं, तो आपको इसी एरिया में आना होगा। तो आई होप मैंने आपको द्वारिखाल के अच्छे दर्शन करा दिए। अब मैं भी चाय पीती हूँ, और चाय पी के फिर एक बार आऊँगी वापस। बाय बाय। तो ये देखिए, ये गाड़ी हमारी चल रही है, आगे भी और जीप्स चल रही हैं, और इसके जो दोनों तरफ है पूरा फुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इस तरफ से देखिए, ये पूरी ग्रीनरी, रास्ता बहुत ही खूबसूरत। और ये सामने से इस साइड में अगर देखिए, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे भी दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़, नेचर के बीच में इस तरह से गुज़रते हुए बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से अब हमें दुगड्डा, वैसे गुमखाल से दुगड्डा जो है वो लगभग 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, तो उम्मीद है 1 घंटे में हम लोग भी पहुँचेंगे। और क्योंकि अगर ट्रैफिक की बात करें, तो हालांकि अभी अच्छा खासा रश है, और जीप्स दिखाई दे रही हैं एक के बाद एक, पीछे पीछे चलती जा रही है, ऑल दो इट्स अ वीक डे, लेकिन फिर भी लोग हैं यहाँ पर, और आना जाना लोगों का चालू है।
हम बढ़े हैं आगे टूवर्ड्स दुगड्डा। तो चलते चलते धीरे धीरे मौसम जो है पूरा का पूरा बादलों से घिर गया है और ऊपर पूरा बादल चढ़े हुए हैं। मिस्ट के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं। ये आपका आ गया है ग्राम बदाली खाल और यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स दुगड्डा। लेकिन ये जर्नी जो है ये बहुत एडवेंचरस लग रही है मुझे, क्योंकि जैसे कि मौसम का अंदाज़ा है ही यहाँ पर, और यहाँ पर पूरे ऊपर अगर आप देखें तो धुंधला धुंधला सब नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो है पूरा मिस्ट वाला यहाँ पर माहौल हो चुका है। बदाली खाल के अंदर से गुजर रहे हैं और बहुत जल्द बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, इसका पूरा अंदाज़ा है और होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कल के लिए बताया गया है कि रेड अलर्ट है, लेकिन ये मौसम बनना बारिश वाला बिल्कुल अभी से चालू है। देखते हैं कितनी तेज़ बारिश होती है। ये देखिए बादल, देखिए पूरे काले काले घने बादल घिराए हैं और मिस्ट पूरी तरह से पूरे इस रोड पर फैला हुआ है। लीजिए ये आ चुका है दुगड्डा, और दुगड्डा पोस्ट ऑफिस के पास से वीडियो बना रही हूँ मैं, और हम लोग गुमखाल से यहाँ तक लगभग एक घंटे की जर्नी में पहुँच गए। ऑल दो वेदर की जहाँ तक बात है, वेदर थोड़ा सा डावाडोल सा लग रहा था, क्योंकि कभी ऐसा लग रहा था कि इमीडिएटली बारिश हो जाएगी और कभी ऐसा भी लग रहा था कि धूप आ गई है तो मौसम खुल गया है। लेकिन मामला यहाँ का थोड़ा सा ऐसा ही है, और मौसम कभी भी किसी भी पल कैसी भी करवट लेके और यह एहसास करा सकता है कि हम पहाड़ों पे हैं। तो लीजिए अब इसी के साथ हमारी जर्नी होती है कंप्लीट। तो अब अगले ट्रिप के साथ, अगली वीडियो के साथ फिर होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।